पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस रही इसके बावजूद जो आप लोग यहाँ पर आए आप बताएंगे क्या किस चीज़ ने मोटिवेट किया आज के मैच? My main motivation to come here was because I'm always with Pakistani team, either they win or they lose. मुझे मतलब वो जीते या हारे हम उनके साथ हैं। आप क्या कहते हैं? यही कि पाकिस्तान के साथ हम हमेशा हम हैं and we always support them. So that's why we are here. So it doesn't matter they win or lose, but we always support Pakistan. No, I'm just gonna say the one thing. तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। I love Pakistan and I hope they play very well today and make it a fun match. बैटिंग पहले करनी चाहिए एंड आई थिंक दे शुड स्टे फोकस्ड एंड यू नो पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी जो बॉलिंग है ना बॉलिंग जो है ना वो बहुत अच्छी है सो वी शुड ऑलवेज बैट फर्स्ट एंड देन डू आवर बॉलिंग बिकॉज हम लोग चेसिंग में अच्छे नहीं है। जी हम बहुत दूर से आए हैं, कैनेडा से आए हैं, वेस्ट कोस्ट से, वैंकूवर से। हम सब कैनेडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बोर्न पाकिस्तान रेज्ड इन कैनेडा, तो हम दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा मैच हो, पाकिस्तान आगे जाए क्योंकि उनके साथ ज्यादा उम्मीदें जुड़ी हुई है। हम क्या कह सकते हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंस गई है आखिरी दो गेमों में थोड़ा सा डाउन है, लाइक एनर्जी डाउन है, वो सभी एक विन अच्छी होगी टीम के लिए, तो होपिंग फॉर अ पाकिस्तान विन एंड लेट्स सी। चलो आप क्या कहते भाई आज की टीम? मैं कहूंगा अभी भी चांस है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह हम सपोर्ट करने आए हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है कि सेमीफाइनल तक तो जरूर पहुंचेगा। बोर्न एंड रेज्ड इन कनाडा बट हार्ट इज पाकिस्तान, गो पाकिस्तान। बोर्न इन पाकिस्तान रेज्ड इन कनाडा but hard as Pakistani, hopefully Pakistan wins. If not, even if Canada wins, we're happy with that because then Canada has a chance of going through. No, we just want Pakistan to win, not Canada. Raised in Canada, born in Pakistan, obviously. But inshallah, if Pakistan wins, we at least get a chance. जी हाँ, मैं टोरंटो से आया हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ और पहले दो matches unfortunately काफी मुश्किल गए टीम के लिए। काफी आई वुड से क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री में इतना बड़ा अपसेट जो हुआ है हमारे साथ वो काफी मुश्किल था हजम करना। लेकिन वैसे अगर सच बोले तो हमने टिकट थोड़े महंगे ले लिए थे तो वरना आना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब पैसे वसूल करने हैं तो हम आ गए। देखते हैं अब सायम अय्यूब आज खेल रहा है तो मैं सायम का बड़ा फैन हूँ तो कुछ तो है आज देखने के लिए, लेकिन उम्मीदें इतनी ज्यादा नहीं है। Forget to like, comment and subscribe.